बताओ कि हम में से कितने सारे लोग हैं जो अक्सर यहीं मिलते हैं सनी सुपर साउंड में? जी जी बिल्कुल, वही मैंने बोला ना, सारे सारे अपने, देखिए सारे अपने चेहरे पे जाने पहचाने चेहरे। ओके इधर सबसे पहले तो आज इसके बारे में बताइए, जो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आई थिंक पीपल विल लव दिस बिकॉज़ बात ये है कि एक होता ना बिंज वॉचिंग, सो ये उसका फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, फटाफट एक थ्रिल 9 मिनट 10 मिनट में आप कैसे एक बता सकते हो एक एक एपिसोड में। सो इट्स ब्रिलियंटली डन एंड इट्स डन बाय नितेश। सो एंड हम सब हैं यहाँ पे आपके सामने, प्रकाश है और अपनी तुषार। हाँ तो एक अच्छे कुछ करने की कोशिश की ऐसे कि यू नो वी आर कॉप्स और कॉप्स की लाइफ एक्चुअली उनकी साइकी क्या होती है बेसिकली, गुड भी है बैड भी है, तो कोई अच्छा है कोई बुरा है और एक ही इंसान में अच्छा भी और बुरा भी, तो आई एम श्योर पीपल लव दिस। ओके इतने इसी के साथ में जिस तरीके से मैंने आपको फिल्मों में देखा सीरियल में देखा, अब जैसे सॉरी डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितना अलग एक्सपीरियंस था डिजिटल डेब्यू? देखिए क्या है, सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि वेब में भी आजकल ऐसा हो गया है ना कि वी शूट लाइक फिल्म्स, तो मोर और लेस तो यू नो इट्स द सेम, बट हाँ एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें रियल लोकेशन में शूट करने का मौका मिलता है और कैरेक्टर पे और काम करने का मौका मिलता है, तो यस इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। आपकी कैरेक्टर के बारे में बात की जाए, पुलिस का कैरेक्टर, क्या क्या प्रिपरेशन की थी आपने कैरेक्टर के लिए? देखिए क्या है कि सच्ची बोलूँगा मैं कोई जेल वेल में नहीं गया, मैंने किसी मतलब मैं जितने लोगों को जानता था उनके थोड़े मैनरिज्म्स निकाले, मैंने बहुत सारे इंस्पेक्टर दोस्त हैं उनके मैनरिज्म्स निकाले और कुछ कुछ इंटरव्यूज़ देखे ऑनलाइन जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का पता चला, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं और ऐसे जगह पे पॉजेस लेते हैं ना कि हमें ऐसा लगेगा कि अभी पता नहीं क्या बोल देगा ये आदमी, बट वो नहीं बोलते यू नो, वो सामने वाले की जो रिएक्शन है वो गेज करते हैं और उस हिसाब से बात करते हैं, तो दिस इज़ ऑल लिटिल थोड़े बहुत न्यूएंसेस हैं हमने काम किया उसके ऊपर, तो ये आपको देखने मिलेगा, अब आप देखेंगे तो आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट एंड यू विल गाइस विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके सो द इन्वेस्टिगेशन जो नाम है तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो मैं जरूर करूंगा भैया एक दिन, तुम हो क्या चीज। एनीवे इन्वेस्टिगेशन है ये एक, देखिए क्या होता है बहुत सारे केसेस होते हैं यू नो कॉप की लाइफ में केसेस होते हैं कोई उनके लिए नॉर्मल बात है, एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट केस, बट एक ऐसा केस जिसमें वो खुद उलझ जाते हैं जिसकी वजह से यू नो उनकी लाइफ पूरी उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसमें कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और क्या करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं नहीं सॉल्व करते या यू नो क्या करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट, दैट्स द मिस्ट्री दैट्स द थ्रिल जो आपको देखने मिलेगा एरोस नाउ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन दीपिका, इन्वेस्टिगेशन देखने आओ यार कमाल करता है, इन्वेस्टिगेशन में आता है दीपिका को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिए। यस दैट इज व्हाई सेड कॉन्ग्रेचुलेशन दीपिका, ये जो जीता है ना बहुत मुश्किल से जीता है और बहुत मुश्किल होता है ये, आप जीत गई मुझे ऐसा लगा मैं जीत गया, वेरी गुड ऑल द बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड प्लीज कम, और यू कांट कम आई एम श्योर बट प्लीज वॉच इन्वेस्टिगेशन क्योंकि ये देख के आपको जरूर मजा आएगा। ओके हितेन आपसे जानना चाहेंगे वेब सीरीज है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो कैसे देखते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म को, बिकॉज़ टीवी एक अलग प्लेटफॉर्म है और डिजिटल एक अलग प्लेटफॉर्म है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि टीवी पे जो कुछ नहीं हो सकता देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस देयर, वो वेब सीरीज पे होता है, और जैसे मैंने कहा कि इट इज ईजियर टू शूट प्लान शूट एट रियल लोकेशंस एंड यू नो कैरेक्टर पे काम करने का मौका, बिकॉज यू नो यू हैव एवरीथिंग वेल इन एडवांस, जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट आपके पास एडवांस में होती है तो आप काम कर सकते हो, जैसे हम लोग जाते हैं अभी मैं एक शो कर रहा हूँ तो जाते हैं तो मुझे पता ही नहीं होता मैं आज क्या शूट करने वाला हूँ। हाँ प्रकाश से भी पूछो यार, एक मिनट मैं इसकी बात सुन रहा था आप बताइए। किरदार ये है कि वी बोथ प्ले कॉप्स, ही प्लेज क्राइम ब्रांच कॉप एंड आई प्ले रेगुलर सिटी पुलिस कॉप, एंड कितने शेड्स हैं क्या है और दोनों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या हो जाती है एक केस के लिए, दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। पहले हमने ये की फिर सिम्बा सिम्बा ये किया, तो इसमें कुछ छाप पैसे ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी किया या ऐसा कुछ नहीं है, छाप छोड़ेंगे जरूर, सिम्बा ने बहुत अच्छी छाप छोड़ी है, साफ नहीं छोड़ा छाप छोड़ी है छाप छोड़ी है छाप छोड़ी सॉरी हाँ
तो हम भी छोड़ेंगे। फर्क यह है कि रणवीर की अपना रणवीर की शादी अभी हमारी 10-10 साल पहले हो चुकी है, तो ये फर्क है, मेरी ज्यादा हो गई। हिटन बिग बॉस पे और आते हैं, अर्शी खान ने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था कि बिग बॉस फिक्स होता है, विनर्स ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होते हैं, आप भी बिग बॉस के पार्ट रह चुके हैं, इस पर आपके क्या कहने हैं? आप मुझे एक बात बताओ, अगर बिग बॉस फिक्स होता तो क्या मैं नहीं जीतता? नहीं, बिकॉज ऑफ कलर्स का फेस दीपिका, और काफी लोगों ने ये ब्लेम भी किया जीतने के बाद भी श्रीशांत की वाइफ ने श्रीशांत को ले लिया जाए। देखिए ऐसा है ना, टू ईच इट्स ओन, अभी उन्हें क्या पता है, उन्होंने क्या सोचा है, आई एम श्योर वो जानते, बट मुझे इतना पता है कि मेरे टाइम पे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई मुझे कुछ ऐसा बोला गया या स्क्रिप्ट थी या क्या था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कर रहा था अंदर, गेम हो गई, तो मेरे साथ क्या गेम हुई वो सबके सामने हुई, ऐसा नहीं हुआ कि पीछे से बोला गया चलो अभी आउट वो आउट या आउट, मेरे सामने तो गेम हुई, तो पीपल सॉ क्या हो रहा है, तो आई हैव नथिंग टू से, मेरे हिसाब से तो सब ओके। एक साथ इसमें लुक सामने रखो ना, या सबको देखते रहते, ओके या हाँ मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। Are you going to ask something? हाँ पूछिए जी। जी मैं ऑब्वियसली यहाँ पे हितेन के लिए हूँ एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और द इन्वेस्टिगेशन से मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस थ्रिलर होगा ये, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं एंड बाहर आके मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लगा। किसके एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? जी मैं जैसे कि मैंने बोला हितेन की एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये देखने के लिए कि ये कैसा वेब सीरीज़ है, क्योंकि ट्रेलर से जो भी अब तक मैंने देखा है उससे बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है एंड एक अच्छा थ्रिलर लग रहा है मेरे को। या मैंने क्या पाप किया? तू ही तो बड़ा पापी है। अच्छा सबसे पहले तो ये जो वेब सीरीज़ है इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल होने वाला है, और मैं इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी हितेन जी को, हमारे टीवी के बहुत स्पेशल सदस्य हैं वो, और वेब में कदम रख रहे हैं पहली बार, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ हमारी प्यारी ससुराल सिमरका की जो विलन थी, जिन्होंने मुझे बहुत सताया है, हमारी खुशी जो इतना प्रोड्यूसर बन गई है, और उनके पति ने ये डायरेक्ट किया है नितेश ने, एंड आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर, एंड आई थिंक दे विल मेक अस प्राउड। ओके अभी का आपसे जानना चाहेंगे, दीपिका
जीत गई है बिग बॉस का सीजन, तो क्या कहना चाहूंगी? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी दीपिका दीदी फाइनली जीत गई। आई रिमेम्बर जब वो घर से घर में जा रही थी, मैंने उन्हें एक ही चीज कही थी कि आप ट्रॉफी के साथ ही वापस आ रही हो, मैं और कुछ नहीं जानती, मेक मी प्राउड। And she actually did make me proud. I'm very, very proud of her. अब ट्रोलिंग तो होगी, वी कांट रियली कंट्रोल दैट। अगर कोई ज़्यादा ब्राइट दिखता है लोगों को तो वो उसे थोड़ा कम ब्राइट करने की कोशिश करते हैं, बट डजेंट रियली मैटर, इट डजेंट मैटर टू मी, डजेंट मैटर टू हर, आई एम श्योर। सो या दीपिका दीदी always will rock. Okay, खिलाड़ी कल से ऑन एयर होने वाला है, ये कल से, हाँ खतरों के खिलाड़ी आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन्स पर। प्लीज़ बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत सारी चोटें खाई हैं, वो भी आपको पता चलेंगी, सो यू विल हैव टू वॉच। इसी के साथ में जिस तरीके से इंडिया में एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, आपको लगता है प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूट बनना चाहिए? ब्रिलियंट क्वेश्चन, या होने चाहिए, ऑफकोर्स होने चाहिए, और सबसे पहले स्टूडेंट मैं रहूँगी। कॉकरोचेस मेरा सबसे बड़ा फोबिया और एक ही फोबिया था कॉकरोचेस, और मेरे पहले ही स्टंट में बहुत सारे कॉकरोचेस दिए मुझे रोहित सर ने। यू गोना लव इट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Let it be forward. How much are you excited? हाँ ये मेरे को लगता है लोगों को दिखेगा नहीं। हेलो हेलो, चेक चेक, ये दिसतो का तुम्हाला? तो द इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है क्योंकि आई थिंक पहला शो है वेब पे जो रिलीज हो रहा है, आई थिंक पहले किया है और अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो ये पहले किया था और पहले रिलीज हो रहा है, तो वेरी एक्साइटेड, बोथ ऑफ अस वेरी एक्साइटेड। यस दीपिका जी, बिग बॉस जीत गई, आपकी भी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो आपका कुछ रिएक्शन उसके ऊपर देना चाहूँ? दे दिया रिएक्शन, देखा नहीं? इस वक्त बॉलीवुड नहीं, टीवी के साथ साथ बॉलीवुड के सेलिब्स भी, मतलब स्टार्स जो है वेब सीरीज में ज़्यादा इस फिल्म में जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है जो वेब सीरीज ज़्यादा बन रही है? देखिए क्या है कि एक रीज़न ये है कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो प्रॉबेबली हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए है खास, मतलब पीपल विल वॉच इट, जो ऑन द गो वॉच कर सकते हैं। डिजिटल मतलब क्या है, आप गाड़ी में बैठे आपने फ़ोन पे स्टार्ट कर दिया, हेडफोन लगाया, ट्रेन में पता है सफ़र करते हैं, दोनों टाइप का सफ़र, तो ये लगाएंगे तो वो सफ़र थोड़ा कम होता है। साल 2018 की जितनी वेब सीरीज वाली फिल्में थी या कम बजट वाली फिल्में काफ़ी हिट हुई, वहीं अगर हाई बजट वाली फिल्में नहीं हिट हो पाई, तो क्या कुछ कारण से बताया? या लोगों को जो पसंद आता है दैट इज़ कमिंग नाउ, कमिंग फोर्थ, मतलब सामने आ रहा है कि दे लाइक सर्टन थिंग्स, वेदर द फिल्म इज बिग छोटी बड़ी क्या है नहीं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और परफॉर्मेंस, इट इज बेसिकली कंटेंट ड्रिवन, जिसमें कंटेंट अच्छा है, चाहे वो फिल्म हो या सीरीज हो या टीवी शो हो, तो लोग वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। पसंद करें, दो फिल्में रिलीज हो रही है, मणिकर्णिका और बालासाहेब ठाकरे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दोनों को ऑल द बेस्ट, और दोनों हम देखेंगे। अगर बात करिए अगर इंडिया में तो एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, आपको नहीं लगता प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूट होना चाहिए? आई थिंक एक ऐसी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है आई थिंक अब्रॉड होती हैं, यहाँ पे भी होंगी, जिसमें पूरा सिखाते हैं, मतलब नॉट ओनली प्रोडक्शन बट यू नो ओवरऑल एवरीथिंग। इफ़ यू कॉल इट एन एक्टिंग, इट शुड नॉट बी ओनली एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट, इट शुड बी एन ओवरऑल ग्रूमिंग, और ओवरऑल जिसमें सब कुछ है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सब कुछ, मतलब बताएं जैसे आपने कहा, तो वो भी कवर करना चाहिए, इट्स अ गुड पॉइंट। नहीं लाइक जैसे स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि जो मतलब मिडिल क्लास जो बच्चे हैं वो नहीं सीख पाते हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मेरा ख्याल है इसमें आई थिंक गवर्नमेंट शुड ऑल्सो स्टेप इन एंड दे शुड यू नो गिव सम इंसेंटिव्स और समथिंग दे शुड डू, के ऐसा हो कि जो मीडियम मिडिल क्लास के हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कर पाएँ,
you know, scholarships or something like that for them, so that it's easier for everybody if they are really keen. Gauri, आपके क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं हितेन जो कह रहा है उनसे सहमत हूँ कि ऐसा एक तो स्कूल या इंस्टीट्यूट या कुछ चाहिए जो हर कोई इंसान जिसको अगर इसमें इंटरेस्ट है वो अफोर्ड कर पाए, ऐसा एक तो कुछ चाहिए। आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी रिपब्लिक, हैप्पी रिपब्लिक डे। दिखाई किधर देते हैं यार, वो छोटी सी तो है। आ जा बीच में आ जा। मैंने अभी अभी देखी है, मैं सस्पेंस और थ्रिल इनका खराब नहीं करना चाहूंगी। नहीं नहीं, बताओ बताओ। मैं कुछ नहीं बताने वाली आपको, ना ही किसी और को, सिर्फ इतना बताऊंगी कि बहुत मजा आया देखने में। यू विल लव हितेन जी बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल लव हिम, इट्स वेरी ऑब्वियस। बचपन के हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बचपन के फेवरेट है। हाँ। ये सुनने में उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमारा बचपन मतलब उनका कितना हो गया, मतलब सोच सकते हैं आप। नो बट अदर देन दैट आल्सो द Direction is fabulous. It is absolutely fabulous and like I said, suspense है, thrill है, बहुत ज़्यादा है, देखने में मज़ा आएगा। जाओ अभी जो मैंने ऐसे आधी आधी वाली चीज़ें देखी है ना, मुझे अब बाकी के एपिसोड देखने हैं, वो जो मेरे अंदर जो अब चुल है ना वो आपको समझ आएगी देखने के बाद। चल मैंने देख लिया, मैं याद नहीं हूँ। क्यों क्यों क्यों? अच्छा अच्छा ये बताओ अंदर क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बड़ा मजा आया। दो एपिसोड के बाद में ना और भी दिखाएंगे, तो कहते हैं अभी यहाँ दिखा देंगे तो फिर फोन में कौन देखेगा? सॉरी, फोन पे ही देखते हैं ना। सिंधी कंपनी ना, बड़े सिंध। बाय 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 बाय। यस, हां जी। तो यार तो आपको देखना है, जाके मस्ती करनी है। जी हां, डन डन, थैंक यू। आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड बिकॉज़ नितेश ने डायरेक्ट किया, हितेन भाई एक्टिंग कर रहे हैं और मेरी फ्रेंड देख के आई है, तो अभी ये बात जैसे अच्छे अच्छे रिव्यू दे रही है तो अंदर जाके आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओह, कल से क्या क्या कल से क्या क्या? अरे खतरों के खिलाड़ी, बेशरम पूछ रहे क्या? हमारे साथ खतरों के खिलाड़ी खड़े हुए हैं एंड क्या क्या फाड़े मार के आए आप इतना दूर जाके? ये सब आप नहीं नहीं ऐसे नहीं बताओ ना सही यार, ऐसे नहीं होता। मैं बहुत कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े, हाइट, फिर टियर गैस, अरे बहुत कुछ किया, अब आपको सब देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब अभी आप आर्मी के लिए तैयार हो गए? Kind of. How was it working with Rohit Shetty? I should be asking. I'm going to take money from you. How was it working with Rohit Shetty, sir? Rohit Shetty sir के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। उनकी जो personality है वो हमें बहुत support करते हैं stunts के time और वो देखने में आप लोगों को मजा आएगा। Now enough about खतरों। नहीं नहीं नहीं, और क्या पूछना है खतरों के बारे में? Stunt करते वक्त कितना डर लगा और Rohit Shetty ने कितना आपका support किया? बहुत ही ज़्यादा डर लगा और रोहित शेट्टी ने ऑब्वियसली लाइक आई सेड बहुत सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही बाकी जितने लोग मेरे साथ आए हैं उन्होंने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई वॉज द यंगेस्ट ऑब्वियसली, जो सबको ऐसे बेबी सिटिंग करने की आदत पड़ती है। अरे इट इज इट्स अ मोमेंट ऑफ व्हाट यू कॉल प्राइड, क्योंकि ससुराल सिमरका की टीम से दीपिका हैज गॉन एंड दीपिका हैज डन अस ऑल प्राउड एंड शी
not just won, but I think she's won a lot of hearts. That's the best part about it, and yeah, we're really proud of her. Thank you. Stardom? Troll किया जा रहा है दीपिका को. देखो हम बड़े बायस लोग हैं. जो अपना है मेरी दीपिका दीदी को कोई कुछ नहीं बोलो. इसकी दीपिका दीदी को कोई कुछ नहीं बोलेगा. खत्म बस. खत्म बात. दैट्स इट. ट्रोल करना है जिसको करना है करो, लेकिन हम लोग उनके फेवर में. ऑलराइट थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. बाय बाय. ओके सुरेश और साहिल क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड है द इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए और पहली बार डेब्यू है जितेन भाई का. वेल मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जहाँ हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वहाँ पे एनीथिंग लाइक दिस विच हैज़ गुड एक्टर्स, गुड स्टोरी एंड गुड कंटेंट, अगर आप दे रहे हो तो आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग. एंड हितेन भाई का डेब्यू है, सो इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. वी मतलब बोलना नहीं चाहिए, हालांकि ही लुक्स प्रॉब्ली हमसे भी जवान लगते हैं, बट वी लिटरली ग्रोन अप सीइंग हिम, यू नो उनके शोज देख के हम बड़े हुए हैं. And digital में जब कोई ऐसा एक्टर आता है डेफिनेटली कुछ अलग देखने को मिलता है. So really excited. But I would like to also add that digital is the next big thing. Like अगर आप देखें तो digital ही चल रहा है. And debut कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है. मेरा दोस्त भी हमारा जो दोस्त है आर्यमन सेठ, वो भी डेब्यू कर रहा है इसके साथ. एंड वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ अ फ्रेंड एंड ऑल्सो हितेन भाई. एंड वी आर हियर टू आई एम श्योर इट्स गुड बिकॉज आर्यमन जब इसके बारे में शूट कर रहा था, आई रिमेंबर लिसनिंग अबाउट कपल ऑफ सीन्स आउट ऑफ द सीरीज एंड जेन्युइनली अच्छा साउंड कर रहा था. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या. और ट्रेलर भी बहुत अच्छा है. करेक्ट. इट्स वेरी थ्रिलिंग. इट्स वेरी थ्रिलिंग एंड यू वांट टू नो कि अब क्या होगा. सो इट्स रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके सुरेश, बिग बॉस के विनर ठहरे दीपिका, क्या आपका क्या रिएक्शन है इसका, कुछ बधाइयां देना चाहोगे? ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस टू हर. आई डोंट नो हर पर्सनली बट दिस सीजन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था फ्रेंकली. स्टार्टिंग से भी कुछ ऐसा, हर बार क्या होता कि जब एनी वॉच सीजन तो आप किसी ना किसी कैरेक्टर से अटैच हो जाते हो. मैं नहीं कह रहा कि मेरे से लोग अटैच हुए या इससे अटैच हुए, बट किसी ना किसी से आप अटैच हो जाते हो. बट इस सीजन में मुझे कोई वो किस उस कंटेस्टेंट से स्पार्क नहीं था, वो अटैचमेंट मुझे हुई नहीं. सो मैं फॉलो नहीं कर पाया. बट आई थिंक लास्ट मैंने कहीं पर किसी कहीं पर मैं था जहाँ पर मैंने बोला था, जो मेरे से पूछा गया था कौन जीतेगा, तो मैंने दीपिका का ही नाम लिया था. क्योंकि जितना भी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए जो वीडियोस देखने को मिल जाती है, उससे मुझे लगा था दीपिका जीत सकती हैं जितने बचे हैं उनमें से. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. मुझे लगा था फेयर इनफ. बट श्रीशांत मेरे को एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था उन पर, जब आई थिंक वो करणवीर बोहरा से जब उनकी लड़ाई शुरू हुई थी. सो आई रियली फाउंड हिम वेरी 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 वियर्ड. और मैंने एक दो ट्वीट भी कर दिए थे और उनके फैन से बड़ी गालियाँ पड़ी थी मुझे. बट उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था. एंड आई बींग अ क्रिकेटर, बींग अ फास्ट बॉलर, आई वॉज ऑलवेज अ श्रीशांत फैन. जब बिग बॉस में मैंने कहा यार ये बंदे में डिफेक्ट है कुछ, मतलब बट यू नो. एंड देन आई वाज लाइक ठीक है यार, बिकॉज अब मैं घर में रहा हूँ तो मुझे पता है क्या होती हैं चीज़ें. सो यू नो गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, बट लाइक ही सेड. ओके दीपिका को काफी डिग्निफाइड भी कहा गया है, लेकिन दूसरी जगह पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है विनिंग के बाद, तो क्या कहना चाहोगे? सीरियसली व्हाट, बहुत ही मैं फ्रेंकली कोई नहीं होता इस पर कमेंट करने वाला, बिकॉज मैं खुद उस घर में रहा हूँ और मुझे उसके घर की असलियत पता है. और वो यही है कि आप जो 24 घंटे में करते हो उसकी 45 मिनट्स की हाईलाइट दिखाई जा रही है. अब वो चैनल पे डिपेंड करता है वो उस कैरेक्टर को कैसा दिखा रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. आई डोंट फील बैड और एनीथिंग अबाउट यू नो सेइंग दिस, बट दैट्स द ट्रूथ. चैनल जैसा दिखाना चाहता है, अगर वो चाहते थे कि सुयश राय किशोर का जोरू का गलाम दिखे तो वो दिखाया है उन्होंने. सो एंड देव जेन्युइनली सक्सेसफुल इन इट. जब मैं बाहर आया तो मुझे पता ही नहीं था भाई, मैं तो ट्रिप कर रहा था, मेरे का बिग बॉस बाहर आया तो कह रहे जोरू का गुलाम. मैंने कहा यार ये, देन आई रिलेटेड कि सलमान भाई बोलते थे जोरू का गुलाम. That's when I realized ki that's how they are portraying it outside. So it's very stupid to comment on what the, at the end of the day she's the winner and I'm sure she deserves it. And uski kismat pe likha ke aayi thi ki wo Bigg Boss 12 tha hai. Correct. Yes. 12 karegi aur wo jeetegi and at the end of the day that's what matters and she's won. Congratulations. Yeah. Kabhi suna chaha mera call aap se jis tarike se dekha hai India ke andar acting sikhane ke liye bahut zyada institute hai, schools hai. Aapko ye lagta hai production sikhane ke liye bhi acting aise institute banna chahiye? Bhai production ek aisi cheez hai
इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए ना, इट्स इसमें आप कुछ सिखा नहीं सकते. आई मीन आई एंड ऑल्सो आई वुड वॉन्ट टू नो कि किस टाइप के प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं. आई मीन यू नो इट्स डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन यू टॉकिंग अबाउट. आई डोंट नो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कैसा प्रोडक्शन है? मतलब प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा काम होते हैं, जैसे कि एक्टिंग हो गई, एक्टिंग के लिए तो बहुत ज्यादा स्कूल्स हैं. प्रोडक्शंस के लिए जिस तरीके से मैंने देखा कि मतलब व्हिस्लिंग वुड्स हो गया, अच्छा फिल्म मेकिंग और वो सब का जो है, सी इट रियली डिपेंड्स. कि फ्रेंकली मैंने आज तक कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया, मेरे को 10 साल हो गए मैंने एक्टिंग कोर्स आज तक नहीं किया, बट इट्स समथिंग विच इज़ इन यू, आप कर करके आ जाती है. एंड आई थिंक सिमिलरली आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ आपको ऐसे सिखाई जा सकती है, स्पेशली इस फील्ड में. You be there, you do it, and you learn as simple as that. So I don't know how it really helps on them. That's what I think. ये तो आप ही बताएंगे. इसमें हम कुछ नहीं. नहीं, but अब यही है कि कसौटी के initially हमें पता था कि इतनी हाँ. सो कसौटी का जब स्टार्ट हुआ था बहुत हाइप थी, उस हिसाब से हमारी टीआरपी नहीं आई थी. वी ऑल वर डिसअपॉइंटेड क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और अब आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द लीडिंग शोज एंड वी आर वेरी हैप्पी. अब 2.7 थी, अभी न्यू ईयर की वजह से थोड़ी सी कम है, बट वी नो कि ऊपर आएगी. एंड कसौटी जैसे पहले बहुत बड़ा हिट गया था, आई एम श्योर सूनर और लेटर ये भी जाएगा फॉर श्योर. I'll tell you something. मैं छोटी चीज़ बोलना चाहूँगा. Not that I watch the show or I know anything about the show. All I know is Sahil is doing it, Parth is doing it, and Ekta ma'am has made it. जब भी आप किसी एक ब्रांड को वापस लाते हो, it's always a challenge to get it back there जहाँ पे आपने छोड़ा था. And especially कसौटी की हम बात कर रहे हैं जब टीवी पे 21 और 22 की टीआरपी आती थी. आज हम 2.7 की टीआरपी को वन ऑफ द टॉप शोज बोलते हैं. सो कसौटी वो शो है जिसने 22 की टीआरपी देखी. तो ऑब्वियसली शो को वहाँ लाना बहुत ईजी नहीं होता, बट आई थिंक देर वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु कैन एक्चुअली डू इट. एंड आई थिंक एकता इज वन ऑफ इट, वन ऑफ देम. एंड लाइक ये मैंने खुद देखा है, विद टाइम वो ब्रांड डेफिनेटली बड़ा होगा. काम करते करते मैंने खुद देखा कि एकता मैम क्या कुछ कर सकते हैं. लाइक शी इज मुझे समझ नहीं आ रहा टीवी में हो क्या रहा है. आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, बट जो हो रहा है ना वो एकता ही चला रही है एट द एंड ऑफ द डे. लेट्स बेट वेरी प्रैक्टिकल. सो की एक बार जो शो चल रहे हैं वही चल रहे हैं जो एकता चला रही है. भाई मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ, मैं टीवी कर ही नहीं रहा. मैंने आई डोंट नो इफ लॉट ऑफ पीपल यू नो, बट ही इज अ सिंगर नाउ, ये इनको पता है. सो आई जस्ट शॉट फॉर माय फर्स्ट फिल्म, अपनी डेब्यू फिल्म शूट करके आया हूँ. फिल्म का नाम है आदत, जिसमें मैं मेन विलन हूँ, करण सिंह ग्रोवर, बिपाशा बासु एंड सोनाली रॉथ, नताशा सूरी. फिल्म है ये, हम पाँच हैं इसमें. थ्रिलर फिल्म है, मीका बाजी ने प्रोड्यूस की है. एंड मार्च एंड और अप्रैल टाइप से फिल्म रिलीज होगी. सो इसलिए हाँ अरे रिपब्लिक डे की विश तो ये सब अपनी सारी इंडियन लाइक सब लोगों को हम दोनों की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे. हम जितने देसी हैं जब तक देसी रहेंगे तब तक ओके, जितना बाहर वालों जैसा बनना कोशिश करेंगे बनने की तब तक प्रॉब्लम हो जाएगी. बट हम पूरी कोशिश करते हैं हम देसी रहें, जहाँ से आए हैं वहीं पे जुड़े रहें. सही था पंजाब के.